नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बताना प्लीज। आज देखो कोहरा कितना ज़्यादा, कोहरा नहीं है प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि प्रदूषण कम करने के लिए। तो क्या है कि गाड़ी वाड़ी है, होती है पेट्रोल वेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और हमको भी बच्चों को सबको भी नुकसान पहुंचा रहा है, या आप सबको सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हम लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा। जहां हम लोगों को दो मिनट का भी कुछ सफ़र है, थोड़ी दूर का भी सफ़र है, तो हम लोग बस क्या सहारा लेते हैं, बाइक का सहारा लेते हैं, अपने पैर का सहारा नहीं लेते हैं। तो पैर का अगर सहारा लेंगे तो थोड़ा प्रदूषण कम करने में सहयोग हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि सबके लिए हानिकारक है प्रदूषण। ये अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ इंसान काम पैदल जाके कर सकता है, वहाँ भी इंसान क्या करता है, पेट्रोल जलाता है, तो पेट्रोल डीजल से ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए और इस पर थोड़ा रोक लगाएं, कम जाएं, मार्केटिंग वगैरह थोड़ा कम ही करें और गाड़ी वाड़ी से थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा सही है। और दिल्ली में तो इस तरीके का प्रदूषण फैल गया है कि 4-4 बजे के बाद तो लगता है बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है, अंधेरा हो जा रहा है, लगता है कितना बड़ा कोहरा हो गया है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रदूषण खत्म करने के लिए। देखिए स्कूल में क्या होता है, स्कूल में भी छुट्टी कर देते हैं बच्चों की, बच्चों के पढ़ाई का भी नुकसान होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी इस टाइम हम गए थे सब्जी लाने, तो देख रहे थे आँख में जैसे बिल्कुल मिर्ची लग रहा था, अगर निकलो बाहर तो जैसे बिल्कुल आँख में मिर्ची लगती है। तो कितना हानिकारक है बताइए, अपने लिए सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कृपया थोड़ा कम करिए, इसको सब लोग के लिए है कि इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा पेट्रोल कम जलाइए, गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, गैस से उतना नहीं होता है। तो हम सबको ध्यान देना होगा, तभी ये प्रदूषण खत्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं खत्म होगा, दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। हम लोगों की सेहत पर बहुत असर पड़ेगा, इसका गहरा असर पड़ेगा। इसके लिए देखिए स्कूल में भी रोज़ बताते हैं और न्यूज़ में भी बताते हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में, लेकिन बढ़ने को ही बताते हैं, कम नहीं हो रहा है। तो क्यों कम होगा, क्योंकि दिल्ली का ऐसा है ही रूल ही है कि नहीं कम होगा, क्योंकि दिल्ली में 1 मिनट के लिए सड़क खाली नहीं होती है। अगर आप पैदल जा रहे हैं, बीच में अगर पड़ गए तो कुचल उठेंगे, 1 सेकंड के लिए सड़क खाली नहीं हो सकती है। दिल्ली तो ऐसी चीज़ है, दिल्ली तो दिल वालों की है, पर वही है प्रदूषण से भी भरी है दिल्ली। दिल्ली का ही प्रदूषण है जो यहाँ तक असर है, ये कंपनियों का सबसे ज़्यादा तो कंपनियों का है, कंपनी का प्रदूषण है। और ये कंपनी का कम होता है पेट्रोल का, और ये डीजल का ज़्यादा फैल रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों को सोचना होगा, हमसे जो गलती हो रही होगी उसके लिए माफ़ करना। लेकिन अब इतना जानते हैं कि प्रदूषण खत्म करने के लिए विचार तो करना ही पड़ेगा सबको। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में।